नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूं। ये चार्ट है ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन का, जो कि 2024 के बिगनिंग में 300 के आसपास मिल रहा था, अभी उसका रेट 600 तक गया था। ये चार्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, जो कि 2024 के बिगनिंग में 100 रुपये के आसपास में मिल रहा था, अभी इसका प्राइस 190 तक गया था, बल्कि 200 तक गया था। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए PNB, जो कि सितंबर महीने में 60 रुपये पर अवेलेबल था, अभी इसकी प्राइस 128 पे चल रही है। और सन फार्मा अगर थोड़ा पीछे जाएं नवंबर महीने में, तो ये लगभग 1100 पर अवेलेबल था और अभी इसकी कीमत 1550 तक है। आप इमेजिन करिए कि 3-4 महीने में ये स्टॉक डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अब अगर ऐसे स्टॉक में आप एंट्री लें, तो आप इमेजिन करिए कि आपका पैसा कितना जल्दी बढ़ेगा। और आप इमेजिन करिए कि इस तरह के स्टॉक में अगर आप अपनी वेल्थ कंपाउंडिंग करते हैं, तो आपको किस तरह का बेनिफिट हो सकता है। अब ये इमेजिन करना तो बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ है ऐसे स्टॉक पाने की। ऐसा स्टॉक हम कैसे पाएंगे जिनमें महीने, दो महीने, तीन महीने में 100% की उछाल हो। तीन महीने में 100% माने यू कैन इमेजिन एक महीने में 33% से ज़्यादा का मूवमेंट। तो ऐसा कैसे होगा, कैसे हमको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिसमें कि हम एंट्री लेकर के इस ढंग की प्रॉफिट ले सकते हैं, इस ढंग का रिटर्न पा सकते हैं। प्राइस बढ़ जाने के बाद तो सारे चार्ट जो है बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, तब ये लगता है कि अरे इसमें यहाँ एंट्री ले लेते तो आज दिन हम इतना पैसा कमाया होते। लेकिन बढ़ने के पहले इस स्टेज पे हमको कैसे पता लगेगा, या चलिए इस स्टेज पे छोड़ दीजिए, इस स्टेज पे हमको कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक लेने से फ़ायदा है। मोमेंटम आने से पहले अगर हमको पता लग जाए, तो देखिए ये 1300 पर अवेलेबल था और 10-15 दिन के अंदर में 1550 पे आ गया। तो आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें कि आप इस ढंग के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का जंप राइड कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अपने कैपिटल को दोगुना तिगुना कर सकते हैं। अगर कंपाउंडिंग करते रहेंगे तो फिर इतना बढ़ सकता है, यू कैन नॉट इमेजिन। तो इसमें हम लोग थोड़ा लॉजिकल वे में सोचते हैं। देखिए जो मार्केट है, मार्केट का मतलब है जो मेजर इंडेक्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेक्टर्स। अब जैसे निफ्टी है, इसमें 50 स्टॉक है और ये 50 स्टॉक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। ये सेक्टर्स जो है ये स्टॉक से मिलकर के बने होते हैं। अब जैसे निफ्टी है, इसके अंदर में आपको फाइनेंशियल सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सब बहुत सारे सेक्टर जो है ये मिले हुए होते हैं, इनको सेक्टर इंडेक्स बोलते हैं। अब जैसे IT सेक्टर है तो इसमें आपका इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, ये सब कंपनियों से मिलकर के IT सेक्टर। वैसे इसमें ल्यूपिन है, सन फार्मा है और बहुत सारी कंपनियां हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में भी बजाज फिनिशर है, बजाज फाइनेंस है, बैंकिंग सेक्टर में भी, तो इस ढंग से बनता है। कोई सेक्टर ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टॉक्स गो अप तब ये सेक्टर ऊपर जाएगा। उसी तरह से मेजॉरिटी सेक्टर अगर नीचे जाएंगे तो ये सेक्टर नीचे जाएगा। मान लीजिए नियरली 50% स्टॉक अप होंगे, 50% स्टॉक डाउन होंगे, तो क्या होगा, सेक्टर साइडवेज चलेगा। तो उसी तरह से जो इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स, ये अब तब जाता है जब मेजॉरिटी सेक्टर्स गो अप। डाउन कब जाता है, मेजॉरिटी सेक्टर्स गो डाउन। और रेंज में कब रहता है, जब नियरली 50% अप होते हैं और 50% डाउन होता है। इसके अलावा अप में जो मेजॉरिटी सेक्टर ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाते हैं विद हाई परसेंटेज, जैसे 5%, 10% इस ढंग का ग्रोथ करते हैं। और रेंज बाउंड में क्या है कि 50% अप, 50% डाउन होते हैं, तो ये 0.6% अप हो गए, ये 0.7% डाउन हो गए। और जब डाउन रहता है तो ये काफ़ी लंबी लंबी गिरावट दर्ज करते हैं, 5% गिरा, 10% गिरा, ऐसा भी होता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ऑल सेक्टर्स विल बी डाउन, सारे सेक्टर एक ही साथ में बिल्कुल धराशायी हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और नहीं ऐसा होता है कि ऑल सेक्टर्स विल गो अप, ये भी नहीं होता है। मार्केट कितना भी डाउन होगा, तब भी एक दो सेक्टर जो हैं ये अप मूविंग रहेंगे, भले कम मार्जिन से मूव करें लेकिन मूव करेंगे। और उसी तरह से बाजार एकदम अप होगा तो भी एक दो सेक्टर जो है वो नीचे की ओर जाते हुए दिखेंगे। इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स है, जैसे निफ्टी है, तो इसमें मेनली होता क्या है कि ये ऊपर उठेगा, उसके बाद या तो हल्की सी गिरावट दर्ज करेगा और या इसी रेंज में घूमेगा, उसके बाद फिर अगेन अप मूव करेगा, फिर यहाँ पे कुछ मूव करेगा, फिर अप मूव करेगा। तो जो गिरावट है, ये गिरावट कम होती है, ज़्यादातर रेंज बाउंड रह जाता है एक सर्टेन रेंज में, उसके बाद अगेन जंप लेता है, फिर या तो हल्का सा करेक्शन आएगा या उसी रेंज में घूमेगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी कि बिल्कुल ऐसे ड्रॉडाउन नहीं होता है, और वो भी तब जब अपनी इकोनॉमी 7.5 की दर से बढ़ रही हो, वैसे में बिल्कुल ड्रॉ डाउन वाला कंडीशन तो आएगा ही नहीं। अब कोई इक्का दुक्का स्टॉक है जिसमें बहुत गड़बड़ हो गई, जैसे कि यस बैंक है या पेटीएम है,
या जैसे आपने बीच में अडानी का सुने थे, वो हिंडनबर्ग का मामला उछला था, उस केस की बात छोड़ दीजिए। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बढ़िया स्टॉक जो सेक्टर लीडर है वो एकदम ऊपर से नीचे चला जाए, नॉट पॉसिबल। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में आप देखिए तो जो अपना इंडेक्स है वो मेनली इस ढंग से मूव करता हुआ आपको दिखेगा। बीच बीच में थोड़े डिप वगैरह आते हैं, वो माइनर होते हैं, मेजर ट्रेंड जो है इस ढंग का है। वीकली में आपको ये जो डिप्स है ये थोड़ा सा हल्के करेक्शन के रूप में दिखेंगे इस ढंग का। तो ऐसे में जो स्विंग ट्रेड है ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का भंडार है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप एक स्टॉक ले लिए, उसके फंडामेंटल वगैरह देख करके छोड़ दिए, अब वो धीरे 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 अपना बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे केस में आपका जो एनुअल रिटर्न है ये 20-25% से ज़्यादा नहीं होगा, कितना भी बुलिश स्टॉक हो। अब इसका उदाहरण आप देखिए कि वॉरेन बफेट, उनसे ज़्यादा कोई भी एनालिसिस पे मेहनत नहीं करता होगा, और वो उस ज़माने में मेहनत करते थे जब सारी बैलेंस शीट वगैरह मैनुअली देखी जाती थी, एक एक कागज़ कलम लेकर के बैलेंस शीट के एक एक डिजिट का एनालिसिस करते थे। आज तो सब कुछ रेडीमेड कंप्यूटराइज है। तो इतना मेहनत करने के बावजूद इनका एनुअल रिटर्न 23% के आसपास में रहता है, प्लस माइनस इसमें कुछ होते रहता है। तो ऐसे में हमारे आपके जैसे आदमी ये लेवल अचीव कर लेंगे ऐसा सोचना भी मुश्किल है। ज़्यादातर आदमी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं वो 17-18% अगर पा गए तो बहुत। लेकिन अपने अभी देखे कि इवन महीने में 35-40% वाले भी स्टॉक अपने को दिखे। तो जब आप लॉन्ग टर्म में लीजिएगा तो स्टॉक ये आगे बढ़ा, थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर करेक्ट हुआ, फिर आगे बढ़ा, तो ये जो टाइम लॉस और वैल्यू लॉस है ये आपकी इस बढ़त को धीमा कर देता है। जबकि स्विंग में क्या होता है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक तो हम राइड किए, और जब ये स्टॉक डाउन पीरियड में आया तो हम इसको छोड़ करके दूसरे पे जंप कर गए, फिर जब ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा अगेन वी टुक द ट्रेड। तो इस तरह से ये जो पीरियड है ये हमारे ट्रेड में एलिमिनेट हो गया। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उतने टाइम में हम यहाँ से और ऊपर पहुँच जाएंगे। तो अब अपना मेन क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट दोज स्टॉक्स जो कि 30% या उसके अबव मंथली रिटर्न दे देते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग इसके लिए स्क्रीनर्स देखते हैं, और हम कहते हैं कि अगर आप स्क्रीनर देखिएगा तो ये चीज़ अचीव नहीं कर पाइएगा। स्क्रीनर क्या है, सर्टेन क्राइटेरिया पे आपको बताते हैं कि भाई पलाना है। तो ये ब्रॉडर एनालिसिस नहीं होती है। ब्रॉडर एनालिसिस में आप क्या करिएगा, जो सेक्टर्स हैं इनका वीकली परफॉर्मेंस देखिए, और वीकली परफॉर्मेंस देख करके जो सेक्टर पिछले एक वीक से अच्छा मूव दे रहे हैं, टॉप पे रह रहे हैं, यानी कि निफ्टी के सेक्टर्स में सेकेंड थर्ड पोजीशन तक रह रहे हैं, उन सेक्टर्स को आप पिक कीजिए। आपको 2-3 सेक्टर्स मिलेंगे ऐसे जो कि बूमिंग है। अब इनकी एनालिसिस में जाइए और यहाँ पे जो बूमिंग स्टॉक्स हैं उनको पिक कीजिए। तो हर सेक्टर में आपको ऐसे 2-3 मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा बूम कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपको 2-3 ऐसे सेक्टर्स मिलेंगे और उनमें 2-3 ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। तो मान लीजिए 3 सेक्टर में आपको 3 स्टॉक मिल गए तो 9 स्टॉक्स हो गए। अब इनकी ये जो 9 हैं इनकी आप एनालिसिस कीजिए, बिना एनालिसिस किए मत लीजिए, इनको एनालाइज कीजिए। अब इनकी एनालिसिस में क्या करने का है, एक तो जैसे अगर आप प्राइस एक्शन की एनालिसिस कर सकते हैं तो आप करिए। मान लीजिए इस ढंग का जो बुलिश स्टॉक है जो कि मूव दे चुका है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था, यहाँ वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, अब इसके बाद वेट कीजिए इसका ब्रेकआउट देने का। अगर ये ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम से देता है तो आपकी एंट्री इस जगह पे हो जानी चाहिए, और फिर ये मूव आप राइट कीजिए। और इसमें याद रखिए कि ये जितना भी प्राइस एक्शन है इट शुड बी अबव 50 EM में। इसके नीचे अगर स्टॉक है तो उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे अगर मान लीजिए इस तरह का बुलिश सेक्टर है और बुलिश स्टॉक है तो नेचुरली वो 50 क्या सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही होगा। तो ये हमारे रडार पे रहने चाहिए। और मान लीजिए ये 50 EM है, ये स्टॉक बढ़ा, कंसोलिडेट होकर के इसके पास आया और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और नीचे वॉल्यूम भी आपका बढ़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि अगेन अच्छा मूव करेगा। फिर जब ये नज़दीक आने लग जाए यहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए, यहाँ से रिजेक्शन ले अगेन आप इंट्री कीजिए, फिर आप जो है अच्छी खासी राइड लेंगे। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये जो मूवमेंट का रेंज है ये कम होते जाएगा, फाइनली एक ऐसा रेंज आएगा जब आपको पता लगेगा कि अब इसका जो है टाइम ओवर हो चुका है। तो ये स्टेज होती है आपके फाइनल एग्जिट का, यानी कि अब ये स्टॉक आपके रडार से बाहर, क्योंकि अब ये 50 के नीचे आएगा। अब उसके बाद में जो सेकंड क्राइटेरिया है वो सेकंड क्राइटेरिया है आपकी, मान लीजिए प्राइस एक्शन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और MACD का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। स्टॉक अगर 50 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, और 10 का EM में 20 के ऊपर है, 20 का EM में 50 के ऊपर है,
तो ये फिर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आना चाहिए। और इसमें एंट्री एग्जिट का हिसाब आप 5 EM में से भी ले सकते हैं, यानी अब जैसे 5 EM में यहाँ पर है और बाकी सारे EMAs के ऊपर है तो आपने ले लिया, और जैसे ही स्टॉक 5 EM के नीचे आया एग्जिट। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 5 EM में ऊपर गया, जैसे ही स्टॉक 5 EM के नीचे आया यानी कि एक कैंडल 5 EM के नीचे बन गई, या आप अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं 10 EM के नीचे बन गई या 10 EM को प्राइस ने क्रॉस किया तो आपका वहाँ एग्जिट। और फिर जब 50 से रिजेक्शन लेगा और 5 EM के ऊपर जाएगा फिर एंट्री। और उसके साथ आप सपोर्ट में MACD भी ले सकते हैं, MACD 0 लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस दिया आपकी एंट्री, बेरिश क्रॉस हो गया एग्जिट। वो सिंपल फंडे हैं। आपका मेन जो प्रायोरिटी होती है वो इस ढंग के सेक्टर और इस ढंग के स्टॉक चूज करने में। और एक बार इस तरह का पिक बना लिए तो देखिए, ये स्विंग के बारे में लोग बोलते हैं ना कि एक दिन दो दिन से लेकर के एक दो हफ्ते या एक दो महीने तक के ड्यूरेशन को स्विंग बोलते हैं। हम बोलते हैं एक दो दिन में निकल करके फ़ायदा नहीं है। अगर आपको हाई मोमेंटम स्टॉक मिल गया है तो आप उसमें 2 महीने 3 महीने जब तक उसमें मोमेंटम रहता है आप बने रहिए। छोटे मोटे फ्लक्चुएशन विश्वास से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी सीधे रास्ते तो चलता नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा करेक्ट होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा करेक्ट आएगा। अब इंडेक्स मान लीजिए माइनस हुआ तो स्टॉक में भी थोड़ा झटका लगेगा, सेक्टर माइनस हुआ तो स्टॉक में भी झटका लगेगा। और हर दिन बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कल 2% बढ़ा, आज 0.5% बढ़ेगा, या मान लीजिए 0.2% नेगेटिव होगा, तो ऐसा होते रहता है। तो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड आप लीजिए तो बढ़िया रहेगा स्विंग के लिए। जो बेस्ट कैंडल पीरियड है वो आप वीकली चार्ट में इसको एनालाइज कीजिए, डे चार्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लॉन्गर पीरियड के लिए जब होल्ड करेंगे तो छोटे मोटे जो विपशॉर्स हैं उनको आप एलिमिनेट करिए। अब वीकली कैंडल अगर 5K मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, या मान लीजिए 5K मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल बनना शुरू हो गई, आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए। तो इससे क्या होगा, वीकली कैंडल लेने से आप महीने दो महीने का जो हाई मोमेंटम है उसको राइड कर पाइएगा और अच्छा रिटर्न ले पाइएगा। अदरवाइज बहुत बुलिश स्टॉक से आप जल्दी निकल जाइएगा और उसके बाद स्टॉक जब काफ़ी बढ़ेगा तो आपको पछतावा होगा। और जैसे देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री लिया, यहाँ तक प्राइस गया, उसके बाद थोड़ा सा निगेटिविटी आई, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अगर आप ऐसे समय में निकल जाइएगा तो ये जो मूव है ये आपका छूट जाएगा। यहाँ पे जो कैंडल लिया गया है ये वीकली कैंडल है, और वीकली कैंडल में देखिए इस ढंग का आपको मोमेंटम पूरा का पूरा दिखेगा। और यहीं पे अगर आप इसको डे में लीजिएगा तो डे में देखिए आपको कितने विप्रॉस मिले हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी, दूसरे दिन बेयरिश बनी, या यहाँ पे देखिए बेयरिश बनना शुरू हो गई, तो ये सब आपको दिक्कत करेंगे, आप थोड़ा घबराइएगा। जबकि वीक में देखिए बिल्कुल इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ आपकी एंट्री, और पूरा का पूरा अभी भी आपका ट्रेंड बना हुआ है। अब ये कैंडल रेड बनने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, जिस दिन इसके ऊपर जाएगी अगेन भयंकर मोमेंटम आएगा। तो शॉर्टर टाइम पीरियड में नहीं जाने का है, थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड रखिए। और उसमें क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि 5 EMA के नीचे, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 50 के ऊपर गया, यहाँ एक अच्छा मूव आया, यहाँ से ये कंसोलिडेट करने लग गया, इस जगह पे हम निकल सकते हैं। और यहाँ 50 के मूविंग एवरेज को टच करने के बाद इसमें देखिए किस ढंग का बंपर मूवमेंट आया। तो इसको आप दोनों ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो जैसे ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ, लेवल क्रॉस होने के बाद रीटेस्ट किया प्राइस, रीटेस्ट करने के बाद अच्छा मूवमेंट दिया। अब यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ, ये लेवल जैसे ही प्राइस क्रॉस किया, अब यहाँ डबल कन्फर्मेशन है कि 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया और ये लेवल क्रॉस हुआ, तो इस जगह पे एंट्री। और जब तक प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं टच करती है तब तक आप बने रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आप हैवी मोमेंटम स्टॉक्स भी पकड़ पाएंगे और उन पर बहुत अच्छी तरह से राइड भी कर पाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सामने सेक्टर इंडेक्स आ गए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, PSU, मेटल, कंज्यूमर, कंजम्पशन, बैंक निफ्टी सारे के सारे हैं। और यहाँ पे पीरियड बना हुआ, एक क्लिक में हम देख सकते हैं कि कौन सेक्टर किस टाइम फ्रेम में क्या रिटर्न दिया है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये डे का दिख रहा है, आज के दिन ये कंडीशन है, लेकिन हमको क्या है लॉन्गर पीरियड का देखना है, तो हम 7 डे पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास में 7 डे का आ गया। 7 डे में सबसे बूमिंग सेक्टर कौन सा था, PSU बैंक, सेकंड कौन सा था कंस्ट्रक्शन, थर्ड कौन सा था बैंक निफ्टी, उसके बाद ऑयल एंड गैस। तो जहाँ पे 6-7% मिल रहा है हम इधर को छोड़ देंगे। अब PSU बैंक है तो बैंक निफ्टी का हिस्सा उसमें भी है, तो ये दो सेक्टर हम पिक करेंगे। अब सबसे पहले अपने PSU बैंक पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया 9.88, सेंट्रल बैंक 9.84, एक हफ्ते में 9.22, 8.98, 8.54, ये हफ्ते भर का है। और 30 डेज पे क्लिक करिए तो ये महीने भर का आ गया। अब यहाँ पे देखिए PSU बैंक 25%, ऑयल एंड गैस 20%, तब ये देखिए महीने भर में
यहाँ कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, 59%, 47%, 35%, 31%, ये सारे के सारे जो है 25% से ऊपर के हैं। और इसका कारण क्या है, आपने सबसे बड़े बूमिंग सेक्टर को चुना है। तो जनरली हफ्ते भर के कीजिए, पर डे वीकली के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 7.63 का मूव है और यहाँ 9.88 का मूव है, यानी अपने सेक्टर से ज़्यादा का मूवमेंट। जबकि निफ्टी ने हफ्ते भर में कितना मूवमेंट दिया, 2.03, और यहाँ कितना मिल रहा है, 9.88। या यहाँ से ऊपर जितने भी, यहाँ ये पूरे के पूरे 8% से ऊपर गई है। तो इस तरह से आपको करना क्या है, आप यहाँ सेक्टर में आइए, टॉप जो बूमिंग सेक्टर है हफ्ते भर का, हफ्ते का टाइम पीरियड लीजिए। हफ्ते भर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए हफ्ते में ऑयल एंड गैस 4.74 का रिटर्न है और महीने में 20.97 का है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले हफ्ते इसकी बढ़त कम हुई या उसके पहले हफ्ते इसमें कुछ निगेटिविटी थी। तो हफ्ते हफ्ते का कीजिए, इसको डेली कीजिए हफ्ते के टाइम फ्रेम में, तो आपको पता चलते रहेगा कि इसका बेसिक परफॉर्मेंस क्या है और उस हिसाब से आप यहाँ पे हफ्ते भर के हिसाब से, नॉट डेली, क्योंकि डेली में आपको कुछ प्लस माइनस दिखेगा, वो नहीं करने का। तो हफ्ते के हिसाब से यहाँ पे आप देखिए जो सबसे बूमिंग है टॉप में, बूमिंग सेक्टर्स 2 या 3 और उनके बूमिंग स्टॉक्स 3, तो 9 का एनालिसिस आप डेली कीजिए और उनकी पोजिशन देख करके एंट्री एग्जिट कीजिए। किसी स्क्रीनर की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत आप डेली कीजिए, आपको एकदम जो टॉप मोस्ट मूविंग स्टॉक हैं उनकी एनालिसिस 1 मिनट में हो जाएगी और वैसे स्टॉक आपको 7-8% का मूवमेंट हफ्ते में दे देंगे। और ऐसे जिस स्टॉक में आप एंट्री लीजिएगा, जब तक उनका मोमेंटम है तब तक राइड कीजिए, जहाँ मोमेंटम समाप्त आप वहाँ से किनारा कर लीजिए, फिर जब बढ़ेगा फिर आएंगे। तो इस तरह से आप इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। अब उसके बाद कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दें। पहली चीज़ तो यह है कि कीप रिकॉर्ड, यानी कि कौन सा स्टॉक आपने कब बाई किया, कब सेल किया, कितना का आपको इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना का प्रॉफिट लॉस हुआ, ये रिकॉर्ड रखना मस्ट है। ये पैसा जो है, आपने मान लीजिए कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया और इसमें मान लीजिए आपको जो भी प्रॉफिट हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अब वो 11,000 हो, ये कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं होना चाहिए, इसी काम में इस्तेमाल होना चाहिए। केवल 1 लाख आप अगर लगा देंगे तो 10% का औसत रिटर्न पकड़ा जाए तो 10,000 महीने, इसको अगर आप ऐड अप करते जाइएगा तो नियरली 8 मंथ में आपकी कैपिटल डबल। अब 8 महीने में डबल के हिसाब से आप इसको कंपाउंडिंग करते जाइए। तो करना क्या है, एक तो वीकली एनालिसिस ऑन डेली बेसिस, दूसरा क्या है, वॉच योर पोर्टफोलियो डेली, डेली देखते रहिए, जब आपके हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ना हो तुरंत एग्जिट कीजिए। तीसरा है नो एवरेजिंग। अब नो एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिया यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, आपकी ये पोजीशन होल्ड है, ये मान लीजिए 100 रुपये तक पहुँचा था, अभी 80 पर पहुँच गया, आप होल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे क्या किया आपने +10 ऐड कर लिया, यहाँ से नीचे आया 70 पे आपने +10 होल्ड कर लिया, ये नहीं चलेगा। मैं एवरेजिंग के बहुत खिलाफ, आपको यहाँ अपनी कंडीशन के अगेंस्ट में स्टॉक लगता है आप यहाँ एग्जिट कीजिए, यानी कि ये 100 तक पहुँचा था और मान लीजिए 95 पर आपको लगा कि हमको निकल जाना चाहिए, यू गेट एग्जिट एट 95, वेट नहीं करने का, एवरेजिंग नहीं करने का, यहाँ से आप आने दीजिए कहाँ तक आता है और उसके बाद फिर जब 50 के ऊपर जाएगा फिर हम ले लेंगे। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए आपका 100 का 70 पहुंच गया, आपको 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा और यहाँ पे आपने जो 10 का लिया वो भी 10 रुपया कम हो गया, तो यहाँ पे 10 और जोड़ लीजिए तो 40 रुपीज़ का लॉस आपका यहाँ तक हो गया और क्वांटिटी आपने इन्वेस्ट किया और, जबकि यहीं पे अगर आप एग्ज़िट कर गए और इस जगह पे आपने एंट्री लिया, यानी कि आप 95 पे एग्ज़िट किए और फिर 80 पर जाकर के 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया, हमने 80 पे बाई किया, तो यहाँ से जब प्राइस फिर 100 पे पहुँचेगा इस केस में आपका अभी भी लॉस चलेगा, इसका प्रॉफिट तो 0, इसका प्रॉफिट 10 रुपया और इसका प्रॉफिट 40 रुपया, यानी कि इतना क्वांटिटी एडअप करने के बाद जब इस जगह पर स्टॉक पहुंचा तो आपका 40 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। जबकि अगर आप यहां पर निकल जाइएगा और 80 पर आप, सारा कैपिटल तो आपका खाली हो गया है, तो यहीं पर आप 30 स्टॉक्स ले लीजिएगा तो आपका 60 रुपीज़ ये बेनिफिट हुआ और 95 पे निकले थे तो 5 का लॉस हुआ था, उसको माइनस कर दीजिए 55, तो यहां पे आपने 40 कमाया और यहां आप 55 कमा ले रहे हैं, बल्कि अवसर मिलने पे और भी ज़्यादा कमा लेंगे। आप अपने लॉसेस को ज़्यादा नहीं होने दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। कभी भी गिरते हुए स्टॉक में स्टे मत कीजिए,
और एवरेजिंग मत कीजिए, गिर जाए पूरा भैया ले चल तू बॉटम बना ले, उसके बाद जब अप होगा तो मान लेगा। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल तगड़े ड्रॉडाउन में आप फंसे नहीं रहोगे, आपकी कैपिटल रिलीज हो जाएगी, उस स्टॉक में नहीं इंप्रूवमेंट आ रहा आप दूसरा स्टॉक ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी कैपिटल यहाँ फंसी रहेगी और आप लॉस में निकलने का सोचोगे नहीं और फिर लॉस होते रहेगा। तो कभी भी आप वेट मत कीजिए लॉसेस में, जल्दी निकल जाइए, एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपके बिगर लॉसेस नहीं होंगे और आप बॉटम में टॉप खरीद करके ऊपर तक आने तक अच्छी खासी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत जल्दी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में टाइम नहीं लगेगा, 8 महीने में डबल। अब उसके हिसाब से आप इमेजिन करिए, 1,00,000 रुपया 8 महीने में 2 हो जाता है, 16 महीने में 4, 24 महीने में 8, यानी कि 2 साल में आप 1,00,000 इन्वेस्ट करके 8,00,000 कमा लीजिए। और असल बात तो अब यहाँ से शुरू होती है, 24 8 32 32 में 16, 32 प्लस 8 40, 40 में 32, 48 में 64, 56 में 128। तो जो 1 लाख से आपने जर्नी शुरू किया था विदाउट एनी फर्दर एडिशन, कोई बाद में आपने पैसा अपने जेब से नहीं लगाया है, 10% का आप रिटर्न मान करके चल रहे हैं एवरेज में, वैसे में आपके पास में 56 महीने के बाद 128 लाख, यानी कि 1.28 करोड़ होंगे। 56 महीने माने नियरली 4.5 ईयर्स। अब मान लीजिए इसका आधा भी आप पकड़ लीजिए, आप 9 ईयर्स में पकड़ लीजिए, तो 9 ईयर्स में यू विल बी अ करोड़पति, जो कि आप अभिनव में 99% चांस है कि नहीं बन सकोगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।